ओके चलो, तो शुरू से शुरू करते हैं बेटा। थोड़ा बहुत हमने ये देखा था यार, अगर इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि कोई चीज लीनियर चलती है तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ लॉ थे कि लाइक अगर स्ट्रेट लाइन में कुछ भी चल रहा है तो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ लिया था बेटा ऑलरेडी, वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, कल लास्ट क्लास में हमने देखा अगर कोई चीज सर्कल में चल रही है ना तो फिर हम डायरेक्टली ये जो चीज हमने पढ़ी स्ट्रेट लाइन के लिए क्या उसको अप्लाई कर सकते हैं बेटा? जो हमने स्ट्रेट नो लाइन सर, पढ़ी वो डायरेक्ट सर्कुलर में अप्लाई नहीं हो रही थी। नो सर, अब हमको क्या करना पड़ा बेटा, एक फिजिक्स का थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। चेंज तो हमने नहीं किया, पढ़ा हमने नेचर के ही लॉ को, बट थोड़े से अलग तरीके से। हमने क्या देखा कि अगर कोई चीज गोल चल रही है तो हो क्या रहा है, तो सबसे पहले हमने ये ऑब्जर्व किया यार कुछ ना एंगल में चेंज आ रहा है, यानी कि देखने के नजरिए में चेंज आ रहा है, नजरिए में चेंज आ रहा है कि यार एंगल पे चल रहा है कोई चीज। अभी तक तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लेकिन अब एंगल में चल रहा है यानी कि एक सर्कुलर मोशन में चल रहा है। तो हमने फिर देखा थीटा का एक फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, फिर हमने वो समझा। देन उसके बाद हमने ये देखा कि ये एंगल कैसे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर हमने ये देखा एक मक्खी घूम रही है तो इसमें ये जो आर डिस्टेंस है बेटा ये कॉन्स्टेंट है और डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रहा है, बस ये ऑब्जर्वेशन किया हमने। सेकेंड पार्ट में हमने ये देखा कि क्या अगर कोई आदमी गोल गोल घूम रहा है वो लीनियर घूम रहा है या सर्कुलर में घूम रहा है, ये समझा था। सर राइट मतलब हाँ बेटा बोलो। ओके आई थिंक कुछ बोल रहे थे आप। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन भी हमने देखा था, वाई इज अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा टी कॉस थीटा टी। तो हम सबको लगा कि यार पहले थीटा के लिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना था क्योंकि वाई किसका फंक्शन था, मैंने क्या बताया बेटा, टाइम का फंक्शन था। तो जिस भी चीज के साथ थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर वाई मैं बोल रहा हूँ टाइम का फंक्शन है तो थीटा वाली चीजें क्या हो जाएगी आप बताओ, कॉन्स्टेंट लेकिन अगर मैं चेंज कर दूं, अगर मैं बोलूं वाई थीटा का फंक्शन है तो टी क्या हो जाएगा आप बताओ। कॉन्स्टेंट रहेगा, चल कॉन्स्टेंट चल आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था, आज और क्वेश्चन करेंगे, बट बिफोर मूविंग फर्दर टू द क्वेश्चन मैं ये चाहता हूँ, ये बाल्टी वाला एग्जाम्पल तो उतना जल्दी समझ आया नहीं होगा, और अब हम थोड़ा सा आगे के टॉपिक में फर्दर एडवांसमेंट करते हैं। एंड द टॉपिक गोज लाइक, एक सेकेंड ये कमेंट वगैरह अनुराग गुप्ता, ओके जो भी डाउट होगा बेटा सर आपको बिटलिंक बता दीजिए आपकी। ओके बेटा बिटलिंक वाला भी मैं शॉर्ट आउट कर देता हूँ। चलो आई थिंक सब क्लियर है, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं बेटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने देख लिया था क्या होता है, राइट। अब थोड़ा सा मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे और थोड़ा बेटा गौर करना चाहूंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसी ने पढ़ा बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट घर जाके? यस चलो वेरी गुड, नाउ लेट्स सी बेटा। अब मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ना सोच रहा हूँ यार कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला डिराइव किया जाए, क्या बोलते हो आप? ये यस सर, नाश्ता नाश्ता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे, तो यस चलो सर, यस सर, है। इतना घूमना घुमाना भी नहीं था मेरे को जितना ही घूम रहा है। चलो ठीक है, चलो अब देखो बेटा, अब मैं इसको चार पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पिज्जा जैसा लग रहा है ये, यस बस खाना सर, नहीं है इसको, है ये पिज्जा ही बहुत दूर से। ठीक है चलो अब देखो बेटा, मैं एक पॉइंट ले ले रहा हूं, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू। अब जितने बच्चे कल क्लास किए थे फिर से मुझे बताना, अगर इसके बीच में बेटा डिस्प्ले मतलब एंगल थीटा स्वाइप हो रहा है, राइट, इसको मैं आर्क बोल सकता हूँ क्या? लास्ट क्लास में मैंने बताया था बेटा यस सर, यस डेल सर, एक्स। यस सर, अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल थीटा, आप सोच के बताओ मुझे। आर्क अपॉन क्या फॉर्मूला बताया था? रेडियस, अब रेडियस, मैं इसको आर्क अपॉन रेडियस, इसको और क्या मैं लिख सकता हूँ, डेल एस अपॉन डेल्टा एस अपॉन आर, ठीक है। चलो ठीक है वेरी गुड, ये हो गया हमारे पास एक। लेकिन 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 अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं बेटा, सेम केस है, सेम केस है, जस्ट लेट मी ड्रॉ द सर्कल वन मोर टाइम। अब दो एंगल का केस मैं डिस्कस करना चाहूंगा। चलो कि व्हाट इफ सपोज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना अब मुझे आप लोग। मैं मानता हूं बेटा एक पॉइंट मेरा यहां पे है, सेम चीज है पी, एंड अनदर पॉइंट मेरा यहां पे है क्यू,
नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज बेटा, अगर ये एंगल थीटा वन है, दिस एंगल इज थीटा टू, आई वॉन्ट टू आस्क यू वॉट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बताओ। थीटा टू माइनस थीटा वन। वेरी गुड। यानी कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं बेटा, हम दो एंगल को देख के ये बता रहे हैं कि यार इनका डिफरेंस क्या है। यहाँ तक आई थिंक हमने सबने बात कर ली थी अच्छे से, राइट? यस मैम। आई थिंक किसी को डाउट होगा। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, किसी ने पूछा भी था ये फॉर्मूला कहाँ से आया। हाँ अंकुशा नेगी, हाँ बेटा, हाँ अंकुश, सर, हाँ अंकुश बेटा बोलो। आपने ही पूछा था ना, आई थिंक। नहीं 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 सर, मैंने पूछा नहीं सर, वो ग्रुप में तीन चार बच्चे कह रहे कि सर ऐड कर दो प्लीज। यार सबको कर दिया मैंने तो, कौन रह गया, दीपक कुमार जैन, सबको कर दिया बेटा मैंने। अच्छा हाँ ठीक है, रेज हैंड कर दिया सर, क्या लेट आया ना। हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है चलता है, कोई बात नहीं, मैंने कर दिया सर, ठीक है चलो। अब थोड़ा एंगुलर वेलोसिटी के बारे में समझते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, उसमें मैं सबसे पहले आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा एवरेज वेलोसिटी। जैसे आपने लीनियर वाले पार्ट में पढ़ा था ना, क्या एवरेज वेलोसिटी अगर मैं ऐसे लिख दूं, थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, तो किसी को कोई दिक्कत आएगा बेटा? नो सर। क्या ये चेहरा, क्या ये चेहरा कहीं सुना हुआ लग रहा है? क्या ऐसे ही कुछ पढ़ा था, x final minus x initial upon t final minus t initial, और मैं आपको बताते चलूंगा बेटा कि this is your linear velocity, this is your angular velocity। आप इससे याद रख सकते हो इस चीज को? Yes sir। चलो तो ओमेगा की वैल्यू आ गई डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी के बराबर यहां से, ठीक। अच्छा ओमेगा का यूनिट मैंने क्या बताई थी, रेडियन हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा क्या बहुत बड़े टाइम के लिए निकालते हैं इंस्टेंट, मतलब एक पॉइंट सर, बहुत छोटे टाइम के लिए इंटरवल के लिए निकालते हैं। वेरी गुड सर, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए निकालते हैं, बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए। अच्छा बहुत छोटे टाइम पे टी कितना होगा, 0.00001? यस सर। तो मैं उसको टी को 0 बोल दूं, टी इज अप्रोचिंग टू 0, हो सकता है? यस सर। अब इसको लिखूंगा कैसे, मैं ऐसे लिखूंगा instantaneous angular velocity is equal to limit delta t approaching to zero del theta by del t। सर ये आपने क्या किया बेटा, मैंने एवरेज जो आई थी ना हमारे पास वैल्यू, उसमें टाइम बहुत छोटा ले लिया। मेरे पास जो एवरेज वैल्यू आई थी, एवरेज वैल्यू क्या थी, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये पूरे जर्नी के लिए थी? हाँ सर, पूरे जर्नी। यस सर। यस सर। पूरे जर्नी के लिए कैसे थी, ऐसे थी बेटा। ओमेगा क्या थी, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो इसमें तो पूरा जर्नी आ गया। लेकिन अगर ये देखोगे आप तो एक बहुत छोटे टाइम के लिए हमने इसको लिखा, ठीक है, इसको लिखने का तरीका होता है। इसी चीज को मैथ्स वाले बोले आप ऐसे लिख लो, ठीक है? यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सॉरी सर लेट आने के लिए, मेरा जॉइन ही नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, काफी लोग जॉइन नहीं हो पा रहे थे यार, चलो कोई नहीं। सर क्या करवा रहे थे, क्या करवा रहे थे? नहीं कुछ नहीं, अभी तो बस जनरली हम चल रहे, ठीक है। अब देखो, अब इस पे थोड़ा देखते हैं बेटा, इस फॉर्मूले पे सवाल कैसे आते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। You have to solve the question, जो आपके स्क्रीन पे अभी विजिबल हो रहा है बेटा, एक सेकंड दे दो। ये क्वेश्चन है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम रिलेशन इज गिवन एज थीटा इज इक्वल टू, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू, वन सेकंड। कौन करेगा इसको, जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट कौन कर सकता है इसको, ट्राई करो बेटा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा,
सर डी थीटा बाय डी टी, वेरी गुड। थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस वन। हमको क्या करना पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, मीटर पर सेकंड बेटा लीनियर में आता है सर, रेडियन सेकंड आएगा, रेडियन पर सेकंड, यस सर रेडियन, ठीक है यही गलत है। अगर मैं अभी यूनिट लिख देता तो सब मीटर पर सेकंड कर देते, बट लीनियर में मीटर नहीं आता है बेटा, ध्यान रखते, ठीक है। अच्छा अब जिनसे नहीं सॉल्व हो बेटा, यहाँ पे देखो डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस वन। अच्छा वन तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, हम सबको क्या पता है, जीरो जीरो, थ्री टी स्क्वायर प्लस टू प्लस जीरो। हमसे कहाँ पे पूछा, सर हमें फाइंड करना है ओमेगा एट टी इज इक्वल टू वन सेकंड, वन सेकंड पे क्या हो जाएगा, थ्री इंटू वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन प्लस जीरो, थ्री प्लस टू हो गया आपका फाइव रेडियन पर सेकंड। वेरी वेरी गुड ओम बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। चलो फटाफट तुम लोगों ने बता ही दिया, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे एंगुलर एक्सेलरेशन पे, जो हमने कल थोड़ा सा किया था, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि इसको हम फुल फ्लेजली शुरू कर दें। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा था बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं एंगुलर एक्सेलरेशन, आप क्या बोलोगे, सर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्या ये फॉर्मूला भी हमने कहीं देखा है बेटा, याद रहेगा बेटा ये, yes, sir. अच्छा लेकिन अब यहाँ पे अल्फा की यूनिट क्या होगी, मैंने बता ही दिया था क्या होगी, अब आप बताओ, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड, चलो सभी सभी बता देंगे पक्का, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपसे पूछता हूँ दो केस, फर्स्ट आप बताओ मेरे को एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, देन आप मुझे बताओ इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या बनेगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब मैं लिमिट अगर डेल्टा टी इसमें जीरो को अप्रोच करा दूं बहुत छोटे टाइम के लिए, अगर डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा डी टी, शाबाश शाबाश, चलो ये आएगा, यस सर। चलो यहां तक तो बेटा बहुत इजी था, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर अभी तक तो हमने सब कुछ समझा देखा, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जेई का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, जिसे वो जनरली सवाल को ट्विकल करके फ्रेम करता है, दैट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड, सर ये टॉपिक का मतलब क्या है सर, हम लोग रिलेशन एज इट इज पढ़ते हैं, जनरली पढ़ते हैं, बट होता क्या है सर रिलेशन, तो बेटा सबसे पहले मैं समझाता हूँ रिलेशन मतलब क्या होता है। कलयुग में रिलेशन कुछ और होता है, लेकिन फिजिक्स में रिलेशन बदला नहीं बहुत सारे युगों युगों से, ठीक है। कलयुग का तुम लोग जानते हो, बाकी सारे युग का मैं बताता हूँ क्या होता है। सपोज बेटा कोई आदमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, राइट, और एक आदमी लीनियर पाथ पे चल रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, अगर ये लीनियर पाथ जो है बेटा इसको मैं राउंड कर दूं तो ये एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। तो व्हाट इफ सपोज अगर कोई आदमी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है किसी वेलोसिटी से, तो वो सर्कुलर में चलता तो क्या होता, मेरा पहला सवाल ये है। और एक आदमी अगर बेटा सर्कुलर पाथ पे चल रहा है वो स्ट्रेट लाइन पे चलता, तो आप उनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हो, ट्राई किया जाए, यस सर ट्राई किया जाए बेटा, कितने लोग तैयार है, थोड़ा थम्स अप करो तब मेरे को पता। yes, sir. चलो हाँ भैया जियो धीरे हो गया, कहा थम्स अप आ ही नहीं रहा है, तुम लोग रिएक्शन बंद कर दिया है क्या गूगल ने, हाँ भी आया यो बात। सर कोई हाँ देखो बेटा, अब देखो बेटा आगे चलते हैं, तो मैं आपको बोलता हूं हमने अभी एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे देखा, अगर मैं बात करूं आपसे डेल थीटा, हमने अभी क्या देखा बेटा, डेल एस अपॉन आर के इक्वल आ रहा था, राइट, ये देखा था हमने क्या। yes, अब मैं काम करता हूँ, कुछ नहीं करूंगा बेटा, इसी इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ,
डेल एस अपॉन आर के इक्वल। अब मैं काम करता हूं, मैं दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी। ठीक है सर, कर लो, क्या ही हो जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी इंटू आर, यही तो हुआ सर, क्या इसमें नया आ गया। बेटा अगर आप बहुत ध्यान से देखो, क्या ये चीज कुछ लग नहीं रही है अलग सी, क्या yes, ये चीज कुछ लग नहीं रही है आर्क में, yes, sir, velocity में क्या हो सकता है ये बताओ सर, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंट वेलोसिटी, मैं इसको ओमेगा बोल सकता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी। सोच के देखो, क्या आर्क में जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ हम वही बोलेंगे, हम लीनियर वेलोसिटी को क्या बोलते थे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये पोजीशन जो है बेटा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है डेल एस के फॉर्म में, yes, सोच के देखो, yes, तो मैं इसको ओमेगा बोल सकता हूँ बेटा। अच्छा इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वेलोसिटी बोल सकता हूँ, सोच के देखो सर, इसको वेलोसिटी बोलोगे, सिंपल सी बात है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी। सर ओमेगा तो ये राइट साइड वाला होगा, हाँ ओमेगा राइट में लिखा है बेटा, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने ओमेगा, चलो ये वी है बेटा, ये वाला वी है, ठीक है सर। ये ओमेगा कैसे हुआ मेरे को अभी भी नहीं समझ में आया, कुछ नहीं बेटा देखो, ये एक सर्कुलर पाथ था हमारे पास, इसमें एरिया स्वेप्ट हो रहा था, ये वाला ये आर्क जो है ना ये स्वेप्ट हो रहा था डेल एस इस आर के रेस्पेक्ट में, तो इसी चीज को हम बोलते हैं ओमेगा। क्यों बोलते हैं, ओमेगा इज नथिंग बट थीटा, थीटा के लिए हमने क्या पढ़ा है बेटा, डेल एस अपॉन सॉरी आर, इसलिए बोलते हैं। तो यहां से हमको एक इक्वेशन मिलेगा बहुत तगड़ा, जानते हो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। जी जी बेटा, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस केस के लिए वेलोसिटी कितना होता सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता, यस सर, हां सर यही होता। सर मुझे समझ नहीं आया वो ओमेगा कैसे हुआ, वो ओमेगा कैसे हुआ, ठीक है बेटा एक बार और मैं ट्राई करता हूं, आप लोगों को समझा देता हूं, देखो कैसे हुआ, अभी बता देते हैं। डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी होगा ना ओमेगा, तो डेल्टा जो समझे नहीं कोई नहीं, सबको एक बार और समझा देता हूँ बेटा मैं। आप बोल रहे हो सर ओमेगा इस तरफ आएगा, आर बाई बी आएगा, बी को मैंने इस तरफ कर दिया, ओमेगा को उस तरफ ले गया, ये समझने में किसी को दिक्कत नहीं, चलो मैं बता देता हूँ एक बार, डोंट वरी बेटा। देखो ध्यान से देखो, एक सेकंड, अरे यार गलत पेन ले लिया, चलो ये डिस्टेंस है हमारे पास एक, ध्यान से देखते रहो, ये वाला को हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे, आर्क आर्क बोलेंगे ना बेटा, यस सर, यस सर, पता कहाँ से हुई है, कहाँ पे बेटा, सर ये जो आपने एरो लगा के सर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाइम से भी लगाया ना अभी, ठीक है समझाने के लिए बनाया था मैंने ना सबके लिए, अच्छा अब ठीक है, आई थिंक अब नहीं दिक्कत है ना, हाँ सर अब वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आपके तरफ, हाँ हाँ नहीं नहीं अरे मेरे को लगा आप लोग समझ जाओगे ना, क्योंकि ये ओमेगा हो आप लोग को लग गया इसको मैं वेलोसिटी बोल रहा था ना, चलो चलो कोई नहीं, कोई ठीक है ठीक है, आई थिंक इजी था यार, कुछ इसमें था नहीं, कोई नहीं मैं एक और बार बता देता हूँ बेटा, देखो कहाँ से आया ये, हमने क्या बोला, हमने ये बोला डेल्टा थीटा कितना होगा, जितना आर्क होगा अपॉन रेडियस होगा, यस सर, राइट, यही बोला मैंने, मैंने दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया बेटा सिंपली। सर डेल एस अपॉन डेल्टा टी क्या आएगा बेटा, आप बताओ, व्हाट विल कॉल दिस, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो एस जो है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, राइट, एस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड आपको क्या पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ ठीक है। यहां से बेटा आई थिंक कंफ्यूजन आपको, आप लोगों को ये हो गई थी कि मैंने एक स्टेप बीच में नहीं लिखा, जो मुझे ऐसा लगा इजी है, एंड दैट स्टेप इज नथिंग बट ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, अब ठीक है,
ठीक है क्या? अब कंफ्यूज नहीं हो ना? यस यस सर, अब ठीक है। इसको वी लिख देता हूं, इसको ओमेगा लिख देता हूं। अब ठीक है, तुम लोगों को समझाने के लिए एक तरफ लीनियर एक तरफ एंगुलर। चल, एक स्टेप उड़ा दिया मैंने, चलो आगे चलते हैं। अब ये किसके लिए? फॉर लीनियर मोशन ना? यस सर। सर की सर्कुलर मोशन के लिए हमने फाइंड किया अभी, मतलब रिलेशनशिप है दोनों के बीच, तो दोनों के लिए सर्कुलर मोशन है किसके बीच में, जल्दी बताओ। लीनियर मोशन। लीनियर मोशन। तो तुम लोग स्कूल जाते हो तो लीनियर मोशन से पढ़ाई करते हो कि सर्कुलर मोशन से पढ़ाई करते हो? सर लीनियर मोशन। क्या अभिजय भैया कैसे पढ़ाई करते हो आप बताओ? नहीं बोल रहे। चलो देखो बेटा, हमारे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब मैं बोलता हूं कि डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आएगा बेटा? dv by dt is equal to dr by dt। r बाहर आ जाएगा ना सर, r तो कांस्टेंट है। नाउ मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई आदमी सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है तो क्या इस ट्रैक का रेडियस चेंज होगा कि सेम रहेगा? बस आप मेरे को ये बताओ। सेम रहेगा सर, सेम रहेगा, शाबाश, सेम रहेगा। अगर ये यहाँ चल ले बेटा, चाहे यहाँ चल ले, चाहे यहाँ चल ले, चाहे यहाँ चल ले, आप इसको कहीं भी चला दो, आपकी जहां मर्जी वहां चला लो बेटा, क्या इसका रेडियस चेंज हो रहा है? जस्ट सोच के देखो बेटा, सबसे तो मैं रेडियस को डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के साथ तो वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगी, सोच के देखो। यस सर, नहीं होगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको दो तरीके से करता हूँ, एक तो ये तरीका है बाहर आ जाएगा, एक मैं इसमें यू डॉट वी कर देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अच्छा, टाइम के साथ रेडियस चेंज हो रहा है? नहीं सर। समझो, यू डॉट वी को प्रैक्टिकली अप्लाई करो। सर टाइम के साथ तो रेडियस सेम है सर, सर ये रेडियस जो डिस्टेंस है ना टाइम के साथ वो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हम उसको बोल देंगे जीरो है, सिंपल। तो यहां से हमको क्या मिल गया बेटा? एक्सेलरेशन की वैल्यू आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। अब डी ओमेगा बाई डी टी मैंने अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले क्या होता अल्फा, है? वेरी गुड बेटा। तो यहां से हमको ए की वैल्यू कितनी मिल गई? ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अब मैं दोनों इक्वेशन को लिख के आपसे कुछ पूछना चाहूंगा जो आप देख के बता दोगे। इस इक्वेशन में अगर मैं पूछूं तो लीनियर पार्ट कौन सा है बेटा? वेलोसिटी। एंगुलर पार्ट कौन सा है? बस बेटा, इस अब इसमें आप बताओ एलएचएस क्या है और आरएचएस क्या है? अब जेई वाला अगर कुछ भी गेम खेलेगा तो आप लोग उस गेम को पकड़ लोगे? यस सर, पकड़ लेंगे पक्का। थोड़ा लेट्स प्ले द गेम, बहुत मस्त मस्त कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पहले किया जाए ताकि थोड़ा मजा आए। चलो आनंद की प्राप्ति की तरफ चले। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। सर सर उससे पहले एक चीज। हाँ, उससे पहले क्या करूं बेटा बताओ? सर एक बार सर पीछे की सारी स्लाइड दिखा दीजिए, क्योंकि सर मैं अभी स्कूल से आया था तो मैं देखूंगा। एक बार देख लो बेटा, जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है? नहीं तो मैं भेज ही दूंगा नोट्स, तो वैसे डोंट वरी, यहाँ से हमने शुरू किया है। वैसे आपने अपना बिटली लिंक नहीं बताई तब? हाँ बेटा, बिटली लिंक नहीं बताई। बिटली लिंक मैं भेज दूंगा बेटा आज ग्रुप में, ठीक है? ऑल तो मेरी एक बनी हुई है यार, याद नहीं है, पहले था ना ऑनलाइन में तो यार सब याद करके रखता था मैं, अब यार याद नहीं है। ओके सर, ठीक है, ठीक है। फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सर क्वेश्चन बड़ा छोटा लग रहा है, छोटा है भी बेटा। सर कॉन्सेप्ट है क्या इसमें? हाँ बेटा कॉन्सेप्ट है इसमें, कॉन्सेप्ट अच्छा है। आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब सुनो, ओरिजिन क्या होता है? किस पॉइंट को आप ओरिजिन मानते हो बेटा? सेंटर। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछूं तो कितना आता है? जीरो। वाई की वैल्यू? हाँ सर, सब जीरो होता है।
फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? ओमेगा. सर ओमेगा. ओमेगा. चलो ठीक है. अभी हमारे पास ओमेगा के लिए कोई फॉर्मूला था क्या जिससे हम एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी से रिलेट कर पाए? v is equals to r omega. v is equal to r omega. r omega. अच्छा, अब ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? v upon r. 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 very good. सर ठीक है, v upon r सही है क्या सर? यहाँ पे एक दिक्कत है बेटा. आप सोचोगे सर यही तो है? नहीं बेटा, यहाँ पे अगर आप v देखोगे तो इस v जो है, ये v आपको कैसा लग रहा है? परपेंडिकुलर लग रहा है, पैरेलल लग रहा है? परपेंडिकुलर. अब यहाँ पे मैं आपको बोलू तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग perpendicular to the line joining from origin upon length of line joining from origin yeah to origin length of line joining टू ओरिजिन. अब इसका क्या मतलब है, कोई बच्चा बता सकता है? सर जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा सर कोई. जी अब सुनो बेटा, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर या वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, आपके हिसाब से कौन सा सही होगा? सर वी परपेंडिकुलर अपॉन आर. आप इस चीज को सोते हुए भी पहचान लोगे कि सर दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री, पहचान लोगे? यस सर. चलो वेरी गुड. हाँ ये तो आसान है. अब देखो उसी को मैंने लिख दिया कि उस कंपोनेंट को लो जो क्या हो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर. लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग टू ओरिजिन, लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग टू ओरिजिन कहीं से भी करवा लो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस. रेडियस. आर. रेडियस. खत्म. ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था. आप ये इसको मत टिक करना, दिस विल नॉट ट्रू. क्या ट्रू हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर. ये सही है, याद रहेगा बेटा? यस यस सर. तो ये परपेंडिकुलर एज इट इज लिख देंगे बेटा. ऑप्शन में आपको पूछा जाएगा पैरेलल कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसलिए आपको कंपोनेंट में तोड़ना सिखाया गया था वेलोसिटीज को. ठीक है. ओके सर. ठीक है चलो. अब और थोड़ा सा क्यूट क्वेश्चन करें या फिर थोड़ा सा जबरदस्त, आप बताओ? क्यूट करते हैं. चलो एक बच्चे ने बोला तो थोड़ा सा क्यूट क्वेश्चन किया जाए जिसमें थोड़ा और मजा है. फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. सर एक मिनट सर, ये ओरिजिन है. हाँ बेटा ये ओरिजिन है. यहां से सर एक वी वेलोसिटी से चल रहा है. सर वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वहां पे. हाँ बेटा वहां पे सर्कुलर कर रहा है. सर आपने स्ट्रेट लाइन बनाया, अब परपेंडिकुलर के लिए मैंने बना दिया तो मैंने बोला चलो सर्कुलर के लिए बनाते हैं. यानी कि घूम घूम के आगे जा रहा है. फिर समझाता हूँ बेटा, घूम घूम के आगे जा रहा है. अब आपको बताना है सर जीरो होगा ना? जीरो. कितने लोगों को जीरो लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक जीरो होगा? सोचो थोड़ा. थोड़ा हिंट दूं क्या? मजा आएगा. हिंट के साथ सवाल करते हैं. देखो एक मिनट में खत्म कर दोगे इस सवाल को. एक मिनट से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है बेटा ये. देखो सबसे पहले मैंने एक लाइन ज्वाइन करवा दी, दिखा क्या आपको? यस यस सर. ओरिजिन से कुछ नहीं किया मैंने, एक लाइन ज्वाइन कर दी. ठीक है यार, ओरिजिन ही ऊपर शिफ्ट हो गया. चलो कोई नहीं, ओरिजिन ऊपर बड़ा सा ओरिजिन बना दिया. इस पॉइंट को मैंने माना मेरा ओरिजिन. ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस को मैं डी एज्यूम कर सकता हूँ बेटा. लेकिन इससे होगा क्या बेटा? एज्यूम कर लो, अभी आपको फिगर ऐसा ही मिलेगा. अच्छा अच्छा, फिगर ऐसा ही मिलेगा सर. ठीक है चलो, सब कुछ सर एज्यूम किया तो ये भी एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है सर, हो गया एज्यूम. अब सर अब कैसे निकलेगा? आप बताओ सर, कुछ तो दिया ही नहीं है वैल्यू. कोई बात नहीं बेटा,
मेरे को थोड़ी बहुत मैथ्स आती है एंड आई कैन से अगर 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 ये 90 डिग्री है, दिस इज योर 90 डिग्री पोर्शन, और मैं बोलता हूँ ये 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक? 45। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अरे यार ठीक ठाक मैथ्स यार तुम लोग का, चलो मेरे से बढ़िया है। ठीक है चलो, अब ओमेगा की वैल्यू अभी हमने क्या पढ़ी थी, अब आप बताओ मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे ले सकता हूँ? यस सर। यस सर। थोड़ा सा चेंज कर दूं क्या फिगर को अगर आप बोलो तो? लेकिन ये चेंज होगा कि नहीं, लेट्स ट्राई रिसाइज। अरे भाई लेट मी ट्राई, यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लूं या पैरेलल, आप बता दो। सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पक्का? यस सर। यस सर। बनाने की जरूरत है क्या बेटा, कंफ्यूजन होगा, आप समझ सकते हो ना इस बात को, बहुत छोटी बात है बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हेलो यस सर, बोलते रहो बेटा नहीं तो पता नहीं। अब सुनो, अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स और कितना होगा? हाँ भाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा? चलो थोड़ा सा मैं आपका हेल्प करता हूँ, एक सेकंड बेटा, स्ट्रेट लाइन बन जा, बन जा पेड़। चलो ये बन जा पेड़ कहाँ का डायलॉग है, कोई बता सकता है? अरे तुम लोग सर्वज्ञानी लोग हो यार, इसको तो छोड़ देते हैं, ये भी देख लिए। चलो ठीक है, चलो वाला एपिसोड से पूरा है, आजा उनका चाचा आता कौकर जिसका, हाँ जबरदस्त था, मजा आ गया वो एपिसोड, मेरे को बहुत पसंद आया था बंजा पे। चलो हाँ सर वो अच्छा था। अब बताओ बंजा क्या, ये कितना एंगल हो जाएगा अगर आपने क्लास में पढ़ा होगा तो, ये एंगल और ये एंगल 45। तो चलो थोड़ी मोड़ी मैथ्स यूज करके मैंने इसके एंगल को कितना लिख दिया, 45। अब बेटा इसका ये कंपोनेंट कितने में टूटेगा, v sin या v cos? सर v sin। सर v cos। आज मैं आपको एक पीबी केवीडी देता हूँ, पहला पीबी केवीडी, पहला टीबी की केवीडी ये है बेटा कि अगर आपसे पूछा जाए कंपोनेंट में कभी भी तोड़ना हो किसी भी चीज को, कुछ नहीं आता है, याद रखना बेटा अगर ये रिजल्टेंट है तो जिसके साथ भी एंगल बनाएगा उसको आप बोलोगे आज से कॉस थीटा। चलो कसम खाओ, कसम खा रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। जिसके साथ एंगल नहीं होगा उसको क्या बोलोगे? साइन थीटा। साइन थीटा। कसम से? साइन थीटा। यस सर। चलो बोलो टीबी केबीटी जय। टीबी केबीटी जय। चलिए होता गया वैसे। ये है बेटा तिवारी बाबा का बूटी, लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगा। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, अब सुनो सर परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या लिखे, अब आप बताओ इसमें कौन सा परपेंडिकुलर होगा, वी साइन? सर वी साइन 45 डिग्री। शाबाश। अपॉन? सर अपॉन कैसे बता दें बेटा, ये अगर डी है, ये अगर डी है, जय पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या बोलता है, क्या बोलता है, डी स्क्वायर प्लस अब ऐसा कोई है जिसको साइन 45 नहीं पता है? अजिन को नहीं पता, याद कर लेंगे क्या ही है ये, कौन सा बहुत बड़ा चीज है। ठीक है यहाँ से आंसर कितना आएगा, v by 2 omega की वैल्यू कितनी है, आप मुझे क्या बताओगे, omega is equal to v by सर उसमें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के साथ ना, हमने ओरिजिन दूसरा मान लिया। नहीं 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 यही है बेटा, यहाँ से ही निकाला हमने, देखो इसी को हमने 0,0 लिया, इसको मैंने d assume किया बेटा, इसको भी मैंने d assume किया, वो perpendicular बनाने के लिए किया। हाँ चलो फिर से समझा, हाँ perpendicular बनाने के लिए किया actually, बताऊँ तो। चलो देखो बेटा कुछ नहीं किया हमने, हमारे पास एक formula था omega is equal to v perpendicular upon r, उसके बाद क्या करना था बेटा, बस इसको component में तोड़ना था, जैसे हमने component में तोड़ा TBKBT लगाया, हमको क्या मिल गया, v sin 45 degree upon रूट टू डी। सर रूट टू डी कहाँ से आया सर? कुछ नहीं बेटा, पाइथागोरस ने बताया हमको
कि अगर दो साइड है दोनों को जोड़ दो हाइपोटेनस आ जाता है। ठीक, अब एक और प्यारा सवाल करें, रेडियस कैसे हुआ सर? रेडियस डी डी डिस्टेंस है बेटा, रेडियस नहीं है, डी डिस्टेंस है, मैंने डिस्टेंस लिया। सर रेडियस डी टू डी कैसे आया, मतलब ये रेडियस तो क्या ओरिजिन से होगा ना रेडियस तो? अरे रेडियस नहीं, डिस्टेंस है बेटा, दिस इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस नॉट द रेडियस, डिस्टेंस डी। परपेंडिकुलर किस चीज के लिए आता है कंपोनेंट? ये बेटा इसके साथ बना था, एक सेकंड, इसके साथ मैंने परपेंडिकुलर बनाया। इसके साथ तो परपेंडिकुलर सर वो जीरो आ जाएगा ना उसका, क्योंकि सीधा है तो ना, ना 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 ना, इसको आप ऐसे हेलिक्स के शेप में बेटा, ये ऐसे समझ पा रहे हो, 3D में बना नहीं पाया मैं इसको, ऐसे है ये हेलिक्स के शेप में। रुको एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और थोड़ा क्लियरिटी होगा। रेडियस कैसे लिया, सभी को ये डाउट आ रहा है क्या है? रेडियस कैसे लिया, हेलिक्स के शेप में लिया बेटा, कोई नहीं, दिखा देता हूँ, आर है ना सर, तो आर रूट 2D कैसे लिया? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अगले क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा। चलो फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब कैसे लेंगे सोचो, टैन टैन है, अब समझ आ जाएगा, डोंट वरी। ये एंगल कितना होगा, जल्दी जल्दी बोलते जाओ बेटा, थीटा ले लेते हैं, थीटा। अच्छा ये एंगल सर आपने थीटा लेके बहुत गलत किया, कोई बात नहीं बेटा। अभी वी के कितने कॉम्पोनेंट बन सकते, वी के कितने कॉम्पोनेंट बन सकते, वी साइन थीटा, वी ये वाला क्या हो जाएगा, अब आप बताओ। और ये कितना हो जाएगा, लाया कैसे लिया था मैंने, जिन लोगों पहले वाले क्वेश्चन में डाउट था। हाँ जी बेटा कोई बात नहीं, जब क्लास रैप अप करूंगा तो एक बार और समझा दूंगा मैं, ठीक है, टेंशन मत, ठीक है। थोड़ा सा एक क्रिटिकल है, बट देखो टफ चीज सीखना है तो थोड़ा सा माइंड हम चलाते रहेंगे, वैसे टफ नहीं है, तुम लोग समझ तो गए ही थे। अब इसके लिए आप मुझे बताओ क्या हो सकता है। सर चीटिंग है सर, आप ये वाला थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है बेटा, ट्राई करोगे तो ये भी बन जाएगा, थोड़ा ट्राई करो। क्या आंसर आ रहा है ओमेगा का वैल्यू, साइन थीटा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड। और किसी का कोई आंसर बेटा? तो ये आ रहा है वी साइन थीटा अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी साइन थीटा अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सही है, एक सही सही बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा कुछ चेंज करना चाहूँ तो करूँ क्या बेटा, अगर आप मुझे बोलो तो मैं चेंज करता हूँ, चेंज करूँ? अच्छा अगर ए कॉमा बी लिखा है बेटा तो ये डिस्टेंस कितना होगा? शाबाश बी, अब सुनो बेटा सर ये डिस्टेंस बी होगा, अब मैं इस डिस्टेंस को अगर एक्स एज्यूम कर लूं कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। इस ट्रायंगल के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एक सेकंड, ऐसा ही कुछ ट्रायंगल है बेटा, इसको मैंने यहाँ बनाया, ये एंगल 90 डिग्री है। अब किसी को पहले भी डाउट था सर ये एंगल 90 डिग्री क्यों होगा बेटा, आपको क्लियर हुआ? चलो आई थिंक, चलो कोई नहीं, ये एंगल कितना होगा बेटा अब आप बताओ मुझे, अरे सॉरी थीटा, थीटा, ये डिस्टेंस मैंने क्या अज्यूम किया, ये डिस्टेंस ऑटोमेटिक हमारे पास क्या है, बी, ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूँ ओ, इसको मैं बोल देता हूँ ए, क्योंकि इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। हाँ सर बहुत सही है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा साइन थीटा कितना होगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाय एक्स, अब यहां से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी बाय साइन थीटा, बी बाय साइन थीटा, कांग्रेचुलेशन। अब इस वैल्यू को पुट करके बेटा आप में से कोई बता सकता है ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? क्वेश्चन कितना प्यारा इससे फ्रेम हो सकता है। Yes, sir. और क्वेश्चन करें और मजा आएगा। Yes, जबरदस्त जबरदस्त। Yes, चलो इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करते हैं बेटा, लेट ट्राई टू कंप्लीट द क्वेश्चन, दैट ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, ये वैल्यू है हमारे पास। अब वी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा, वी साइन थीटा अपॉन में
बी बाई साइन थीटा। अच्छा अब हमको पता है बेटा यहां से वी साइन थीटा अपॉन में बी, ऊपर जाके क्या हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इंप्लाइज वी बाई बी साइन स्क्वायर थीटा इज द राइट आंसर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, वी बाई बी साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सोच के देखो यस और नो। अब मैं तुम लोगों को सवाल दूं, यही सवाल है बेटा, दिस इज द सेम क्वेश्चन, फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सेम सवाल है। चलो इसको फिर से ड्रॉ कर देता, सेम इमेज है। अब आप मुझे बताना बेटा, आप मुझे बताना, एक सेकेंड आप मुझे बताओ कहाँ गया है। इस तरफ अगर मैं वेलोसिटी वी ले रहा हूं, ये डिस्टेंस को पाई ले रहा हूं, आई एम टेकिंग पाई, ध्यान से सुनना बेटा, जल्दी जल्दी मत करना, पहले मेरी बात सुन लेना, पाई की वैल्यू मत रखना, मैं ये डिस्टेंस को पाई ले रहा हूं, अगेन आई एम टेकिंग दिस डिस्टेंस एज पाई। माय क्वेश्चन टू यू इज बेटा, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड आई एम गिविंग यू द एंगल्स, दिस डिस्टेंस एज 45 डिग्री बेटा, दिस डिस्टेंस एज 45 डिग्री। आपको ये बताना है सिंपली ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, फाइंड करो बेटा। क्वेश्चन समझ आया बेटा आपको? यस सर। आगे चलो ट्राई करो, v by 2 pi कितना, शाबाश v by 2 pi, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। ट्राई करो, चलो जल्दी 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 बेटा, इंजीनियर हो तुम लोग, जल्दी क्वेश्चन देख के चुटकी में सॉल्व होना चाहिए। कितना सर, v by 2 pi, v by 2 pi, v by 2 pi, गलत है ना सर? हां बेटा सच बता सर, गलत है। कितना आया, गलत आ रहा है कि सर v by 2 pi? नहीं 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 नहीं, गलत नहीं आ रहा है, गलत नहीं गलत नहीं। चलो हम ट्राई करते हैं बेटा, चलो जिनका नहीं सॉल्व हुआ मेरे साथ ट्राई करो बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो अब यहां पे एक कंपोनेंट बनेगा, यहां पे एक कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। चलो दो कंपोनेंट बन गए, इसका एंगल कितना आएगा सर, 45 डिग्री, ठीक है सर यही आएगा। अब यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी साइन 45 डिग्री अपॉन, अब तुम लोग बताओ, रूट पाई स्क्वायर प्लस पाई रूट टू अंडर रूट पाई, अंडर रूट टू अंडर टू पाई, टू पाई वेरी गुड। अब सुनो पाई इज अ कांस्टेंट, अब आप ये मत सोचना 2.314 लगा के रूट टू का वैल्यू 1.734, बहुत लोग ऑफलाइन में गलती करते हैं बेटा, ठीक है ये मत करना, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया, याद रहेगा? यस सर। अब यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, वी अपॉन 2 पाई, मजा आया क्वेश्चन करके? यस सर। अब मैं आपको एक प्यारी चीज इस क्वेश्चन में दिखाना चाहूंगा, एक क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, मैंने एक क्वेश्चन इसलिए लिया बेटा, अगर आप इस चीज को इमेजिन करो यार, 2 पाई क्या होता है, व्हाट इज 2 पाई सर, 360 डिग्री, यानी कि ये कैसा मोशन हो सकता है सर्कुलर मोशन, सर सर्कुलर तो होगा बट साथ ही साथ वेलोसिटी v से बढ़ते भी जाएगा, कुछ ऐसा मोशन होगा जैसे हेलिकल, दिस इज द हेलिकल मोशन इक्वेशन, याद रहेगा सर, 2 पाई तो आ ही रहा है जी सर, v वेलोसिटी से बढ़ते भी जा रहा है सर, ये समझने में दिक्कत तो बताओ बेटा, फिर समझाता हूं। हां जी बेटा बताओ सर, अगर v वेलोसिटी बढ़ेगी तो सर हेलिक्स का बढ़ेगा ना सर, आगे वाला हिस्सा सर हेलिक्स बढ़ता चला जाएगा ना, ना ना ना, v रिजल्टेंट है बेटा, देखो जैसे ये बढ़ रहा है ना, v इज द रिजल्टेंट, मतलब आप स्प्रिंग को दोनों तरफ से खींचोगे ना, तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअली हेलिक्स एक मोशन है बेटा, जैसे हमको बचपन से पढ़ाया जाता है ये है सन, ये है चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं चक्री में, लेकिन बाद में हमको पता चला यार ऐसे नहीं होता, इट इज एन एपिसाइक्लोइडल मोशन, राइट। अब तो इंस्टा पे यार बहुत सारे वो भी बना बना के लोग डाल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको बेटा, रील्स, यस सर, स्क्रॉल करोगे तो दिखाई देगा इस तरह का मोशन, आप लोग शायद देखे भी होंगे ये सारे मोशन, सर देखा है सर, एनिमेशन, ठीक है चलो पक्का ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, मजा आया क्वेश्चन करके? यस सर। नाउ
मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ यार, देखो आदमी तो मैं बहुत गरीब हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, अमीर नहीं हूँ यार, बहुत गरीब। आप गरीब हो बताया था, अरे मेरी सैलरी इतनी है कि मैं 3 and a half iPhone 14 Pro Max बाबू 5 से 20 iPhone में 500 iPhone तो मैं ऐसे जेब में लेके घूमता हूँ, ठीक है। और अभी जिसको मैं यूज कर रहा हूँ वो भी जानते ही हो यार, विंडोज चला रहा हूँ यार मैं, मतलब मुझे मत चला विंडोज रहे, सुनो आप चला विंडोज रहे हो बस मैक हो ऐसे। चलो चलो अब मैं एक क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहूंगा यार, देखो इंजीनियर सब बनना चाहते हैं राइट, ये थोड़ा सा खतरनाक किस्म का गाड़ी है, फॉगी एंड द कॉकरोचेस का वैन है ऐसा मान लो, ये सीधा चल रहा है राइट। अब मेरे पास तो बहुत सस्ती गाड़ी है, आई विल नॉट से स्विफ्ट डिजायर रखा हूँ मैं, बहुत छोटी सी गाड़ी है। सिडान वाली, ये कौन सी स्विफ्ट डिजायर है? चलो देखो बेटा ये स्विफ्ट डिजायर चल रही, अब ये इस तरफ चल रही है, हाँ सर चल रही है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर मान लो मुझे इसमें ऑटो पायलट ऑन करना है, सर ये क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, ऑटो पायलट मोड या फिर इलेक्ट्रिक कार में, अगर सर गरीब है तो सर टेस्ला, ठीक है टेस्ला मान लेते हैं। देखो अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ, ऑटो पायलट मोड पे अगर ये गाड़ी चल रहा है तो अब सुनना बेटा, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, नॉट लाइक पढ़ने के लिए, एज ए इंजीनियर ऑब्जर्व करना। मान लो 5 बजे मैंने इसको ऑटो पायलट मोड पे लगाया और स्ट्रेट हाईवे है, दिस इज अ हाईवे, थोड़ी देर बाद अगर मेरे सस्ते एनिमेशन के सहारे आप इस चीज को समझ पाओ, अरे यार रोड भी चल रहा है एनिमेशन में तो चलो कोई नहीं, थोड़ी देर बाद आप देखना ये गाड़ी कहाँ मिलेगी हम लोग को, यहां मिलेगी राइट। यस सर, सर यहां तो मिल गई, बट इससे आप बताना क्या चाह रहे हो? बताता हूँ बेटा एक सेकंड, चलो एक सेकंड देखो, ये गाड़ी मेरे को यहां पे मिली, तो मतलब अगर मैं मानू 15 मिनट तक ये कैसे रास्ते पे चली होगी, आप सोच के बताओ। स्ट्रेट, चलो स्ट्रेट लाइन में चली होगी, वेरी गुड बेटा, ये गाड़ी कैसे में चली होगी? स्ट्रेट लाइन, देखो ये गाड़ी चली होगी स्ट्रेट लाइन में। हाँ सर इसमें मतलब ऐसा आपने खास क्या बताया? कुछ नहीं बेटा, बहुत सही बात है, स्ट्रेट लाइन में चली। बट अब मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c, तो अगर मैं एक कोडर हूँ या कुछ भी हो तो मैं y इक्वल टू mx प्लस c लिख दूंगा तो क्या गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चलने लगेगी? यस सर, सही बात है सर, गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चलेगी। लेकिन अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ बेटा, ये स्ट्रेट लाइन तक तो ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि 60 किलोमीटर पर आवर पे ही चले, बट आगे टर्न आ जाए तो ऑटो पायलट क्या करेगा? अगर मान लो बेटा ऐसा कोई टर्न है तो ऑटो पायलट क्या करेगा? नाउ दिस इज द सवाल, कि स्ट्रेट लाइन में तो सर ठीक है ऑटो पायलट काम कर जाएगा, लेकिन लेकिन व्हाट इफ सपोज यहां से शुरू होता है सर्कुलर मोशन में, रियल इंजीनियरिंग में कहां इसको यूज करोगे, व्हाट इज द एप्लीकेशन, ये सब अब शुरू होगा बेटा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा बेटा, क्या होगा, क्या लगता है अगर मान लो ये गाड़ी आ रही है सर, जब वो टर्न पे जाने वाला होगा सर तो वो कुछ चीज है, मतलब उसको क्योंकि वो ऑटो पायलट पे तो उसमें जीपीएस होगा सर, जीपीएस होगा तो जीपीएस में तो स्केल के हिसाब, जीपीएस है, अब यहां पे टर्निंग जीपीएस में तो स्केल के हिसाब से होता है ना, तो वो स्केल से ओमेगा की वैल्यू लेकर के चलेगा, स्केल से लेगा। चलो एक केस पे थोड़ा सा डिस्कस करें बेटा, थोड़ा सा आपका 2 से 3 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं अगर आप लोग बोले तो, बहुत अच्छा केस है, ऑल्दो आजकल इंजीनियरिंग में यूज भी होता है, सो दैट्स व्हाई आई वांट कि आप लोग समझो इस चीज को। चलो देखो, और ये आपका रिलेटेड भी है इससे। अब देखो बेटा, गाड़ी अगर किसी कर्व में जाएगी तो डेफिनेटली एक एक्सेलरेशन उसको बेटा इधर खींचेगा, आप ये पढ़ के आए, दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है सर, मतलब रिजल्टेंट क्या है, गाड़ी ऐसा है कर्व कर रही है, अगर बेटा ये नहीं होगा तो गाड़ी क्या होगी, सीधा जाके लड़ जाएगी दीवार से, मान लो बगल वाले से, आप इस बात को इमेजिन कर पा रहे हो, कर्व रोड है, गाड़ी आ रही है और ए एक्सेलरेशन इधर आते जा रही है, ये बात को आई थिंक आप सब समझ पाए, बाइक रेसिंग हो जाते हैं, हाँ बाइक रेसिंग, बाइक रेसिंग में भी देखना आप थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसा घुमाते हैं राइट, स्पीड बहुत आ रही है। हाँ अब मैं आपको बोलूं तो इस कर्व, कोई भी कर्व को बेटा, कोई भी कर्व को, जैसे मान लो एक कर्व है,
इसको अगर एक लाइन छू के जा रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो बढ़िया इंजीनियर हो तुम लोग, मैथ्स तो तुम लोग का जबरदस्त है। चलो देखो बेटा, अब ये है पॉइंट पी, अगर मैं यहां से देखूं बेटा एक वैल्यू तो ये क्या मिलेगा मुझे? टेंजेंट। इसको मैं ए टेंजेंशियल बोल सकता हूँ। साथ ही साथ एक और यहाँ पे भी मिल रहा होगा कुछ, ए नॉर्मल जैसा मिल रहा होगा। परपेंडिकुलर, और इसको हम बोलते हैं बेटा ए टेंजेंशियल। और आपकी गाड़ी जो है वो धीरे धीरे थोड़ा इधर होते होते थोड़ा इधर होते होते स्ट्रेट रास्ते पे चल जाएगी कर्व रोड में भी। फिर से समझाता हूँ बेटा, आप यहाँ से कार लेके आए हो, ये कार जो है कर्व होने वाली है। अब कर्व होने वाली है तो कार को कैसे पता चलेगा? ऑटो पायलट क्या करेगा? वेलोसिटी सेम रखेगा, बस डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा बदलता चलेगा, डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा बदलता चलेगा, और आप बिना टकराए इस तरफ या इस तरफ सीधे रास्ते पर पहुंच जाओगे। डोंट वरी, मैं ये चीज फिर से बताने वाला हूँ बेटा, टेंशन मत लो। बट आई थिंक आपको इतना तो समझ में आएगा, किसी भी कर्व रोड में जो ये पॉइंट ऐसे छू के जाएगा उसको हम टेंजेंशियल बोलेंगे। गाड़ी हमेशा रोड के किनारे से रगड़ के नहीं जाती है, थोड़ा सेंटर से ही चलती है, राइट? याद रहेगा बेटा ये थोड़ा छोटा सा। इसमें डाउट है तो बताओ। नो सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो कार है वो जितनी टिल्ट झुक जाएगी सेंटर की तरफ, वो उसके मास पर डिपेंड करेगी। हाँ बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी बेटा, बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी मास पे। इसलिए आप इसके बाद तुरंत पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने फ्लाइट देखा है क्या? फ्लाइट, सपोज दिस इज द फ्लाइट। यस सर। ठीक है, तो अब फ्लाइट के जो सामने वाले हिस्से वहां पे अगर मान लो टर्बुलेंस है, मतलब बहुत ज्यादा बादल है, काले बादल, तो ये वाला हिस्सा टकराएगा तो इस पे ज्यादा इफेक्ट पता चलेगा, पीछे वाले पे ज्यादा इफेक्ट पता चलेगा। सोचना आज वेट जा। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो थोड़ा थोड़ा सोचे रहो बेटा क्या हो सकता है, जैसा आपने भी सवाल पूछा। I appreciate the question। देखो अब देखो ये चल रही है बेटा, अगर आप बोलो कि सर ये ए पे नहीं जाएगी, ए टेंजेंशियल पे जाएगी, तो बेटा दीवार पे रगड़ जाएगी साइड वाली। सोच सकते हो इस बात को? अगर ये दोनों डायरेक्शन चेंज करते हैं ना, हाँ, इसी चीज को लोगों ने बोला ऑटो पायलट। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते हैं, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन पे गाड़ी चलते रहती है। ऑडी में ये ऑटो पायलट सिस्टम, इसी ऑटो पायलट को आप पढ़ोगे टेंजेंशियल और परपेंडिकुलर के नाम से, एंड दिस इज योर ए रिजल्टेंट। ठीक है क्या बेटा? इसको किसी तरह खड़ा आपके पास होगी सर वो तो। क्या बेटा? सर ऑडी ऑडी। अरे ऑडी वोडी होता तो चला के तुम लोग वीडियो बना के दिखाते, गरीबी में क्या सर, 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 देखो सर, सर आपने उस दिन क्लास में बताया था कि 100 करोड़ की मेट्रो के प्रोजेक्ट के आगे मेरी छोटी सी गाड़ी क्या करेगी सर? मेट्रो में सफर करने वाले लोग हैं, मतलब तुम लोग भी गजब लोग। चलो सर आप सेक्टर से सुनो, आप नोएडा सेक्टर 18 से रोज लोहिनी आते हो, 50 रुपए दिन का किराया एक तरफ का लगता है, यानी 100 रुपए दिन का, 3000 रुपए महीने के। फिजिक्स का क्लास है बेटा, जोड़ो मत। चलो चलो चलो, छोड़ो 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 ये सब। अब सुनो, इसका एक कॉम्पोनेंट बेटा पैरल होगा, क्या मैं इस कॉम्पोनेंट को पैरल बोल सकता हूँ? इस कॉम्पोनेंट को क्या बोलूंगा अब आप बताओ? सिंपल सी एक बात बताऊं तो ए परपेंडिकुलर किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? डायरेक्शन के लिए परपेंडिकुलर रेस्पॉन्सिबल है या फिर पैरेलल? आप सोचो सर, परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन के लिए और मैग्नीट्यूड के लिए टेंजेंशियल। चलो पक्का? यस सर, टेंजेंशियल वाला सर जो है वो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा बस, और परपेंडिकुलर वाला बस डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन। अब सुनो, अगर मैं चाहूं तो ये बोलूं यार ये जो है ना परपेंडिकुलर वाला, ये बस मेरा रफ्तार को बढ़ाएगा या घटाएगा, रफ्तार को बढ़ाएगा या घटाएगा, और ये मेरा डायरेक्शन चेंज कर देगा। थोड़ा इधर आ जाओ भाई, थोड़ा इधर आ जाओ भाई, थोड़ा इधर आ जाओ भाई, यही होगा। सोच के देखो। यस सर। अभी भी नहीं समझ रहा। तो मेरा सस्ता एनिमेशन से ये समझो कार है बेटा, राइट? ये कार में कर्व भी है, थोड़ा सा एरोडायनामिक डिजाइन भी है, परफेक्ट बस जैसा लग रहा है, वॉल्वो का। ये अब चलते जा रहे चलते जा रहे। अब देखो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इसको बोल देगा भाई इधर मुड़ जाओ, इधर मुड़ जाएगा उसी रफ्तार से। टेंजेंशियल कंपोनेंट इसको बोल रहा है भैया इधर मुड़ जाओ, तो मुड़ते जा रहे। समझ पा रहे हो इस चीज को? ये रफ्तार है बेटा, ये फटाफट 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 जाते जा रहे। परपेंडिकुलर क्या बोल रहा है? अंदर मुड़ जाओ, अंदर मुड़ गया,
राइट, थोड़ा बहुत समझ पाए बेटा? कार तो गाड़ी है, एक गाड़ी है ऐसे जा रही है, टेंजेंशियल वाला उसका स्पीड बढ़ा रहा है, परपेंडिकुलर वाला उसका डायरेक्शन मोड़ रहा है। समझ पाए इस बात को? एक बार एनिमेशन जरूर देखना बेटा इसका, आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी। सर ये जो एक्सेलरेशन जिस फोर्स की वजह से लग रहा है वो परपेंडिकुलर होगा ना, तो वर्क भी जीरो होगा, तो वो बस डायरेक्शन ही चेंज करेगा। बस डायरेक्शन ही चेंज करेगा बेटा, आप ये भी इससे भी समझ सकते, याद रहेगा बेटा सारे इंजीनियर्स को। यस सर। हाँ भाई इंजीनियर्स कुछ बोलो यार, याद रहेगा आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलो याद रहे। हाँ बेटा बोलो सर। कि वो टेंजेंट एक जब सर्कुलर मोशंस के हम इसके गाड़ी के वो बनाएंगे कंपोनेंट्स, तो वो पैरेलल बनेंगे एज अ टेंजेंट। हाँ एज अ टेंजेंट इट विल बी अ पैरेलल। अगर आप इसी चीज को चाहो तो सर्कुलर, जब मैं डेथ वॉल पढ़ाऊंगा ना, डेथ वॉल वाला टॉपिक बहुत मजा आएगा उसमें। मैं भूल जाते हो मौत का कुआं, वो जैसे मौत का कुआं था वो। हाँ डेथ वॉल भी पढ़ेंगे, डेथ वॉल से क्वेश्चन भी आता है। डेथ वॉल मतलब क्या? वो वॉल काटा वाटा लगा होता है जिसको चलता है बेटा, एक बाइक बाइक चलाते हैं उसको हम बचपन में बोलते थे मौत का कुआं का खेल। अच्छा वो देखा नहीं आज तक मैंने। अरे यार मैं पढ़ाऊंगा डोंट वरी, ठीक है? जबरदस्त टॉपिक है, मजा आ जाएगा। चलो जस्ट अ सेकंड, डाउट ले लूं सबका।